बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक आपके करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं कि कैसे आपको मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली कि अगर आपको जो है अर्जेंट बेसिस पे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद का स्पेसिफिक वो वैलिड फॉर स्पेन, तो वो किस पर्पज़ पे आपको मिलेगा, कैसे मिल सकता है, तो इस बारे में हम मतलब जो है वो बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको कम्प्लीटली प्रोसेस प्रोसीजर जो है वो समझाऊँ कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। बहुत से मुख्तलिफ अदारे होते हैं, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ काम होता है। तो स्पेसिफिक स्पेन एम्बेसी जो इस्लामाबाद पुलिस ब्यूरो है उसने जो अपना ड्रॉप बॉक्स बनाया है वो है लेपर्ड कोरियर। ठीक है, लेपर्ड कोरियर से आप अपने अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट इस्लामाबाद ब्यूरो वाला है वो इजीली ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले इसमें हम बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले जाना है सिटी पुलिस के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास, और कहना है कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट दे दें। आपने एक 5 रुपये का बयान हल्फिया लेना है, एक एप्लीकेशन लेनी है, और 2 तस्वीरें लेनी है अपने पासपोर्ट साइज़, और इसको बता देना कि मुझे इस डिपार्टमेंट के लिए, इस कंट्री के लिए, इस मुतल्लिक हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपको दे देंगे 180 डेज का करेक्टर सर्टिफिकेट। देने से पहले वो 2 दिन की इंक्वायरी करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, देन वो एक दिन या वेरी नेक्स्ट डे आपके इलाके में आते हैं और सर्वे करके चले जाते हैं, एंड देन आपको कॉल करते हैं कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बन गया है और आकर आप ले जाए एक चीज। देन जब आपको ये चीज मिल जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने जाना होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपने जाना होता है लेपर्ड कोरियर के पास, और लेपर्ड कोरियर जो है वो आपको इजीली क्या डिमांड करेगा, आपसे डिमांड करेगा आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट। ये 2 चीज़ें जो होंगी आप करवाएंगे, 17वें ग्रेड से अटेस्ट, देन आप पासपोर्ट साइज फोटो देंगे एक दोबारा से, और जिस मुतल्लिक आपने जाना है, अगर आपका फैमिली केस है तो आपको फैमिली वीज़ा लेटर देना पड़ेगा, आप वर्क के लिए जा रहे हैं तो वर्क के लिए रेजिडेंस कार्ड और वर्क कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी का लेटर और यूनिवर्सिटी का लेटर आपको देना पड़ेगा। जमा करवाते हैं, देन आपको तकरीबन 650 रुपये उसकी फीस होती है, और 3 वीक्स में आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इजीली मिल जाता है। हाँ, अब पूछना ये था कि अगर आपको जो अर्जेंट सर्विस में मिलता है या होता है या नहीं, तो इस बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेपर्ड कोरियन ने या इस्लामाबाद पुलिस ब्यूरो ने कोई भी प्रीमियर लोन सर्विस जो है वो नहीं रखी, अर्जेंट सर्विस नहीं रखी हुई, तो आपको इसी तरह मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट या अपने जो आपका वीज़ा चेकलिस्ट है उसके मुताबिक आपने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट जो है उसको रेडी करना होता है, रेडी करके रखिएगा, इससे आपको आपका टाइम बच जाता है, आपको आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता। देन आप उसको फॉरन ऑफिस अटैच कराते हैं, और उसके बाद आप अपने जो भी आपको काम होता है उसके मुताबिक आप इजीली उसको काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और कोई भी कमेंट आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।